हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस तरह की नेट से ये गोपाल जी की ड्रेस बनाते हैं। ये ड्रेस 4 नंबर के गोपाल जी के लिए बनाई है। इस ड्रेस में मैंने येलो कलर के नेट का यूज़ किया है और ये फ्लावर बनाने के लिए मैंने इसमें साटन के रिबन का यूज़ किया है। इसमें मैंने 2 साइज के साटन का रिबन का यूज़ किया है। एक इसमें 1 इंच का रिबन लिया है और छोटे वाले फूल बनाने के लिए मैंने इसमें 1/2 इंच का रिबन लिया है। चोली के ऊपर मैंने पूरा मोतियों से हाफ पाल से इसे पूरा डेकोरेट किया है। फ्लावर के अंदर मैंने राउंड कलर के 3-3 मोती लगाए हैं और घेरे के अंदर हाफ पाल कहीं कहीं मैंने लगा के इस ड्रेस को बनाया है। इस ड्रेस को बनाना शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे मेरे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आपको ये मेरी ड्रेस कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताएँ। चलो अब हम इसे बनाना शुरू करते हैं। ये ड्रेस बनाने के लिए हम येलो कलर की नेट लेते हैं। इस नेट की लंबाई मैंने चौड़ाई तो मैं इस नेट की 4 इंच लेती हूँ और लंबाई इस नेट की पट्टी की लगभग 47 इंच होती है। इसकी चौड़ाई तो मैं 4 इंच लेती हूँ और इसकी लंबाई इसकी 47 इंच होती है। इस तरह की हम 3 या 4 पट्टियाँ ले लेते हैं। जितनी हमको अपनी पोशाक में जितनी गहरी प्लेटें डालनी होती हैं उतनी हम इसमें पट्टियां ले लेते हैं। तो मैंने इसमें 4 पट्टियां ली हैं। अब इन 4ों पट्टियों को आपस में इस वाले मुँह से आपस में इन सभी पट्टियों को मैं सिल लेती हूँ और सिलने के बाद इनके एक तरफ में खूब बारीक बारीक प्लेटें डाल लेती हूँ, जिससे खूब सारी प्लेटें हो जाती है और हमारी ये ड्रेस खूब घेरदार हो जाती है। तो इसमें मैं इस तरह से बारीक बारीक प्लेटें डाल लाती हूँ। आपस में सभी प्लेटों को सिल के खूब बारीक बारीक प्लेटें मैं डाल लाती हूँ। इस तरह हमने सभी जगह नेट के अंदर प्लेटें डाल के इसे कंप्लीट कर लिया है। ये हमारा घेरा इस तरह बनेगा। अब इसके ऊपर लगाने के लिए हम चोली बनाते हैं। चोली बनाने के लिए मैंने जिस कलर की हम नेट लेते हैं उसी कलर का हम एक साटन का कपड़ा लेते हैं। मैंने ये साटन का नोट, आप सिंपल कपड़ा भी ले सकते हैं क्योंकि इसके ऊपर हम सभी जगह पे मोती से इसे डेकोरेट करते हैं तो नीचे का कपड़ा दिखाई नहीं देता है, तो सिंपल कपड़ा भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे येलो कलर का साटन का कपड़ा लिया है। पीछे की तरफ सिंपल कपड़ा आपस में मैंने फेविकॉल से पेस्ट कर लिया है। साइड में मैंने इसे साटन के रिबन से सिलाई मशीन से दोनों तरफ सिलाई लगा ली है। इस तरह हमारे ये चोली की दोनों पट्टी हम तैयार करते हैं। मैंने सेंटर में से काट लेते हैं। सेंटर में से काटने के बाद हम आगे की तरफ 1 इंच से सिलाई कर देते हैं और साइडों में हम इसे 1/2 इंच पे सिलाई करके अपनी चोली को कंप्लीट कर लेते हैं। तो मैं अपनी चोली को कंप्लीट कर लेती हूँ। इस तरह हम अपनी ये चोली को तीनों तरफ सिलाई करके कंप्लीट कर लेते हैं। ये हमारी चोली कंप्लीट हो गई। जो हमने नेट का घेरा बनाया था उस घेरे को इस चोली के ऊपर सिलाई मशीन से तरह लेते हुए बिल्कुल पास पास में करते हुए इसे हम पूरे चोली के ऊपर सिलाई कर लेते हैं। इस तरह हमारी चोली और घेरा आपस में जुड़ जाता है। तो मैं ये सिलाई कर लेती हूँ। इस तरह मैंने अपने घेरे को चोली से सिलाई करके अटैच कर लिया है। सारी प्लेटें हमारे इस तरह बिल्कुल पास पास में आ जाती हैं, जिससे हमारा घेरा इस तरह बन जाता है। हम आगे फूल बनाने के लिए हम ब्लू कलर का साटन का रिबन लेते हैं। ये मैंने 1 इंच का रिबन लिया है। इस रिबन को हम लगभग 16 इंच के ऊपर 16 इंच की लंबाई के ऊपर इस तरह इसको यूँ फोल्ड कर लेती हूँ। जैसे हम एक फूल बनाते हैं, फूल बनाएंगे तो इसका एक हिस्सा इस तरह से करते हैं, दूसरा इसके ऊपर इस तरह से करते हैं, एक दूसरे के ऊपर इसे फोल्ड कर लेते हैं हम इस तरह से। इस तरह हम इसे पूरे को फोल्ड कर लेते हैं।
पूरा फोल्ड होने के बाद नीचे के हिस्से को हम पकड़ लेते हैं, बाकी के हिस्से को छोड़ देते हैं। जो हमारा साटन का बड़ा वाला हिस्सा है उसको हम पकड़ किस तरह धीरे धीरे नीचे की तरफ खींच लेते हैं। नीचे की तरफ खींचने से इस तरह हमारा ये फूल बन के तैयार हो जाता है। फूल को बन के तैयार हो जाने के बाद हम इसे यहीं की यहीं पे सुई धागे की मदद से इसको यहीं की यहीं पे हम एक स्टिच करके इसको सिल देते हैं। इस तरह हमारा ये एक फूल बन के तैयार हो जाता है। फिर हम रिबन को यहाँ से कट कर लेते हैं। इस तरह हम अपने घेरे पे बनाने के लिए इस तरह के फूल हम बना लेते हैं। अब घेरे के चारों तरफ जो हमने फूल बनाए इस तरह के फूल में ग्लू गन की हेल्प से इस घेरे पे सर लगा देती हूँ। इस तरह इन प्लेटों को थोड़ा सा करते हुए इस तरह इन फूलों को चिपका लेते हैं। थोड़ी दूर दूर पे मैं इन फूलों को चिपका देती हूँ। आप चाहें तो इन्हें सिलाई मशीन से भी लगा सकते हैं या फिर ग्लू गन से भी लगा सकते हैं। इस तरह मैं चारों तरफ ये फूल लगा के इसे कंप्लीट कर लेती हूँ। इस तरह हमने सभी जगह फ्लावर लगा लिए। फूल लगाने के बाद हम बीच बीच में जो हमारी नेट बीच में खाली रह जाती है तो दो फूलों के बीच में हम आपस में इस तरह एक पत्ती के ऊपर हल्का सा गम लगा के दोनों फूलों को इस तरह हम आपस में चिपका देते हैं। इस तरह सभी जगह हम ये फूल लगा लेते हैं। फूल लगाने के बाद फूल के बीच के अंदर हम ये दो नंबर के राउंड मोती हैं जो एक एक फूल के बीच में हम तीन तीन मोती लगाते हैं। इस तरह हम एक एक फूल के बीच में गम लगा देते हैं। इस तरह हम इसमें तीन तीन मोती लगाते हैं केक में। इस तरह हम सभी जगह सभी फूलों में तीन तीन मोती लगा लेते हैं। इस तरह के हम हाफ पर्ल ओढ़ लेते हैं। ये पर्ल पूरी चोली पे सभी जगह हम लगा देते हैं। इस तरह मैं पूरी चोली पे इन्हें लगा लेती हूँ। इस तरह हम पूरी चोली पे इस तरह के हाफ पार लगा लेते हैं और सभी फूलों के अंदर तीन तीन राउंड मोती लगा के मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। इस तरह ऊपर हमने सभी जगह मोती लगा लिए और सभी फूलों के अंदर मैंने तीन तीन राउंड मोती लगा के इसे पूरा कर लिया है। जैसे हमने बड़े फूल बनाए थे ये हमने एक इंची का रिबन लिया था, इसी तरह हम आधा इंची का रिबन लेके ये छोटे फूल बनाते हैं। ये छोटे फूल हम अपनी चोली के दोनों तरफ हम लगा देते हैं और इन के अंदर भी हम यहाँ पे हमने बड़े वाले मोती लिए थे इसमें हम इस तरह के छोटे मोती लेके तीन तीन मोती इन फूलों में हम लगा देते हैं। तो मैं इन्हें ग्लू गन की हेल्प से चोली के चारों तरफ चिपका देती हूँ। अब इनके भी ऊपर हम तीन तीन फिर चोली के चारों तरफ हम फूल लगा के इसे कंप्लीट कर लेते हैं। और बाकी का जो हमारा घेरा होता है उसके अंदर अंदर जो हमने हाफ कट मोती लिए थे ये कहीं कहीं मैं घेरे पे भी इन्हें एक एक
इस तरह कहीं कहीं हाफ मोती लगा के और फूलों को लगा के मैं इस ड्रेस को कंप्लीट कर लेती हूँ। इस तरह मैं चोली के चारों तरफ हमने फूल लगा लिए और उनके ऊपर तीन तीन मोती लगा के इसे कंप्लीट कर लिया है। और बाकी के घेरे में मैंने हाफ पर लगा के कहीं कहीं लगा के इस घेरे को कंप्लीट कर लिया है। बनने के बाद हमारी ड्रेस कुछ इस तरह की बनती है। अगर आपको मेरी ड्रेस अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।